चुका है, आ चुका है। अभी थोड़ा सा स्लोगन चेंज हो गया है, अभी कहते हैं आधा वो कब का चुका है, अब तो उसके जाने का वक्त है। पता नहीं कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण, कौन सा पल ऐसा आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। कभी भी ये हो सकता है जब पुनः 5000 साल के लिए वो मुझे बाय बाय बोल दे, चला जाए फाइनली। इससे पहले कि वो जाए, विदाई ले, कुछ ऐसा कर लूं कि वो दूर जाकर भी जाना आए। अब वो ही समय है, अगर ये समय हम चूक गए तो फिर दोबारा ये वक्त हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या करे कि दूर जाकर भी दूर जाना पाए, उसका मेरा रिश्ता जन्म जन्म के लिए, हर युग के लिए अटूट बन जाए। बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है, दो युग ढूंढा है। दो युग मतलब समझते हैं, 2500 वर्ष। इसी चाह में जन्मे और इसी चाह में मृत्यु को प्राप्त हो गए, कहीं तो उसके दर्शन हो जाए। चलो दर्शन नहीं होते तो पांव की धूल तो मिल जाए, तो भी जीवन सफल हो जाए। अब मिला है, अब इस अनमोल समय को, अनमोल क्षणों को मैं तू तेरे में मेरे में तो नहीं गवा रही। मुझे जो अब कर लेना चाहिए वो तेजी से करना चाहिए, क्योंकि तो समय किसी के लिए नहीं होता है। तो ऐसा क्या करूं कि वो दूर जाकर भी दूर ना जा पाए, क्या कर सकते हैं आप ऐसा जी? बांध लो उसे, बांध लो। बांध सकते हैं या नहीं? इसको बांधने की बात हो रही है, पता है आपको कौन है बाबा? बहुत सस्ती वस्तु का नाम नहीं है बाबा, त्रिलोकी नाथ, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ। उसको बांधने की बात हो रही है, तो छोटी मोटी चीज नहीं कि बांध लो। तीनों लोगों पे जिसका पूरी तरह कब्जा है, तीन लोग जिस उंगली के इशारे पे काम करते हैं, उसे बांधने की बात कर रही हूं। अगर वो एक बार खाली पलके उठा दे ना, मात्र भी पलके उठा दे, तो ये सात सौंदर खिसक के पीछे हट जाए। अगर सिर्फ एक बार उंगली से इशारा कर दे, मात्र एक उंगली से इशारा कर दे, तो ये पूरा हिमालय राख बन करके उड़ जाए। अगर मात्र एक संकल्प कर दे मन में, एक सेकंड से कम समय में भी ये पूरी वसुंधरा को स्वर्ग बनाने की ताकत रखता है, जिसे मैं मेरा बाबा कहती हूं। सर्वशक्तिमान, जितनी भी शक्ति का स्रोत देख रहे हो वहां से कनेक्ट है वो, उसको बांधने की बात हो रही है। यशोदा मैया से तो खाली एक लल्ला नहीं बना था, बांधने चली थी ना उसको। आज बड़ी शक्ति रूप है उसका, बड़े शक्ति रूप ही बोले थे, बड़े जोश से बोल रही है कृष्ण को, आज तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी मैं, बांधूंगी ओखली से रोज रोज तुम जो है लाने लेकर आती हूँ, आज देखती हूँ कैसे जाओगे। पहली बार ऐसा रूप देखा माँ का, थोड़े से भयभीत हुए कृष्ण और दाऊद से कहा, माँ का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा, आज तो थोड़ी मुझे भी घबराहट हो रही है, मुझे भी भय लग रहा है मैया से। ऊपर नारद मुनि भी सुन रहे होते हैं, जबरदस्त रिपोर्टर है देवताओं के नारद मुनि, इधर उधर का समाचार फटाफट इधर से उधर करते हैं। जब उन्हें लगा कि कान्हा जी साधारण नारी से डर गए हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा। वो अपना ये आश्चर्य लेकर के विष्णु के पास पहुंचते हैं, नारायण नारायण करते हुए, और कहते हैं इस सृष्टि के पालन करता आप और भय
ये दोनों कैसे संभव है, क्योंकि विष्णु का ही बाल रूप श्री कृष्ण है। तुमसे प्रश्न पूछ रही है, आप एक साधारण सी नारी से डर गए, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? तब विष्णु जी मुस्कुराए और कहा, नारद सुनो, जिसे तुम मेरी माँ बोल रही हो और दूसरी तरफ साधारण बोल रही हो, ये दोनों जमना नहीं है। कोई भी साधारण नारी मेरी माँ बनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सकती, और जो मेरी माँ बन चुकी है वो साधारण कभी भी हो नहीं सकती। ऊपर वाला बार बार कहता है, हर रोज कहता है कि जो मेरे बच्चे बन गए, जिन्होंने मेरे को जान लिया, पहचान लिया, दिल का रिश्ता बना लिया, वो तीनों लोगों में साधारण कभी भी हो नहीं सकते। वो शिव की संतान है, शिव के पुत्र है, शिव की पुत्रियां हैं, वो साधारण हरगिज नहीं है। साधारण नहीं तो फिर क्या है? साधारण नहीं तो क्या है? अति महान आत्मा है। भले आप साधारण घर में रहते हो, भले पढ़े लिखे नहीं हो, भले स्टैंडर्ड लो है, परंतु आपके पास वो बुद्धि है जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। आपकी इसी डिवाइन बुद्धि ने साधारण तन में महाज्योति को पहचानने की ताकत रखी है, इसीलिए दुनिया से हटके हो और क्या हो, अति ग्रेट हो, महान हो। जब श्री कृष्ण ने विराट रूप का साक्षात्कार कराया, आंखें खुली हुई थी, क्या हो गई थी लोगों की, बंद हो गई थी, सामने था परंतु देख नहीं पाए। रीजन क्या था, क्यों नहीं देख पाए? घटनाएं तो यहीं से घटी है ना सर, क्यों नहीं देख पाए? रीजन क्या था कि सामने साक्षात्कार हो रहे, केवल एक या दो व्यक्ति उसको देख पा रहे हैं, बाकी सबकी आंखें क्या हो रही थी, बंद हो गई। क्यों नहीं देख पाए? दिव्य नेत्र नहीं था, पुण्यों का बल। तो इस हॉल में जो भी आत्माएं बैठी हैं, वो सब कौन है? महान आत्मा के साथ साथ पुण्य आत्माएं हैं। कहा नारद मुनि को कि देखो, जिसे तुम साधारण नारी कह रहे हो, उसका पूर्व के रूप देखो, वो कितनी बड़ी साधक साध्वी तपस्वनी, कितनी बड़ी तपस्या कर रही है, एक ही संकल्प से कि मुझे कृष्ण प्राप्त हो, कई जन्मों की तपस्या का फल देने के लिए अब मैं पुत्र रूप में इसके साथ रिश्ता निभा रहा हूं। बाबा भी कहते, बच्चे तुम भी अपने पूर्व जन्मों को देखो, तुमने भी चरम सीमा की भक्ति की है, और फिर भक्ति का फल क्या मिला है, स्वयं भगवान प्राप्त हो गए हैं। तुम्हारे जैसी भक्ति भी चारों युगों में कोई नहीं कर सकता जैसी तुमने की है, क्योंकि भक्ति का ही अगली डिग्री कौन सी होती है, भक्ति से आगे क्या है, वो मिला है। फिर बहुत पति की बात कहते हैं विष्णु कि अब मैं केवल पुत्र रूप में रिश्ता निभा रहा हूं, विष्णुपना छोड़कर केवल पुत्र का रिश्ता। ऊपर वाला भी कहता है, बच्चे मैं खुदा परमात्मा अल्लाह गॉड ये संसार के लिए हूं, तुम्हारे लिए तो मैं अपना भगवान पना छोड़कर तुम्हारे लिए केवल तुम्हारा बाबा बनकर तुम्हारे बीच में उपस्थित हुआ हूं। उसकी प्रेम की परिकाष्ठा देखिए कि उसने अपना भगवान बना छोड़ दिया, अपना धाम छोड़ दिया, अपना वेश बदल लिया, मेरे जैसा बनकर मेरे बीच में उपस्थित हुआ। ये है उसके प्रेम की परिकाष्ठा जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भगवान तो गौरों के लिए है, अब हमारे लिए क्या है, केवल क्या है? बड़ी ठंडी लग रही है, सुनना तो चाहिए ना उसको, क्या है? बाबा है हमारा। अब ये सोदा मैया सोचती है, जगत जिगर के टुकड़े को बांधना, ऐसी वैसी रस्सी से थोड़े बांधूंगे,
बड़ी बड़ी सोने चांदी की जंजीरें लेकर आती है, महंगी महंगी रस्सियों में बांधूंगी इसको, पर हर बड़ी रस्सी छोटी पड़ रही है, वो छोटा सा बच्चा बनने का नाम नहीं लेता। फिर सोचती है बड़ी मेहनत प्रयास करने के बाद, अरे रेशम की भी तो रंग बिरंगी नरम नरम प्रलोभित करने वाली रस्सियां हैं, उनको लेकर आती हूँ, उसमें बन जाएगा। लेकिन बड़े बड़े बंडल खत्म हो गए, पर वो बच्चा बनने का। लेकिन आज हट है, एक को हट है बांधने की और एक को हट है ना बनने की। जब तक यशोदा मैया जैसी हट मेरे दिल में पैदा नहीं होगी, तब तक मैं त्रिलोकी नाथ को नहीं मान सकती। हट पैदा करो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी मुझे करना पड़े, कर तुझे बांधेंगे जरूर। जब ऐसी हट पैदा होगी, तब ऊपर वाला समर्पित करेगा अपने को बांधने के, बांधो। लेकिन आज उसकी हट देकर कहना भी बड़ा विचित है, ऐसी हट तो पहले कभी नहीं थी। अब देखिए कितना सुंदर है, उसी से पूछ रही है कि देख मुझे तेरे को बांधना जरूर है, अब तू ही बता तू बंधेगा कैसे, क्योंकि आज मैं तुझे छोड़ू ही नहीं। बोल हो गया, मेरी शक्ति मेरे प्रयास मेरी मेहनत सब फेल हो गए, अब तू बता तू बंधेगा कैसे, मैं बिना बांधे तो नहीं छोड़ूंगी तेरे। तब श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कहते, मैया तुझे सच में बांधना है तो दिल में प्यार पैदा कर, आंखों से एक बार प्यार दिखा दे, होठों पे मुस्कुराहट ला दे, तेरी साड़ी में आंचल से बन जाऊंगा, रस्सियों की तो जरूरत ही नहीं। क्या है ऊपर काम वाले को बांधने की तरकीब, कौन सी रस्सी है जी? स्नेहमयी भावना संपन्न रस्सी। कहाँ पैदा होती है, कहाँ बनती, कौन सी फैक्ट्री में बनती है रस्सी? सबके पास है ना, दिल सबके पास है। ये रस्सी केवल दिल में पैदा होती है, ये दिल से दिल को बांधती है, जोड़ती है। तो भगवान को यदि बांधना चाहते हैं तो दिल में कौन सी रस्सी पैदा,